नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। होली के त्योहार पर खास तौर से सभी घरों में पुआ बनाए जाते हैं। पुआ कई प्रकार से बनाए जाते हैं। आज मैं सूजी का पुआ बनाऊंगी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप एक मीडियम साइज से कटोरी में एक कटोरी सूजी ले और पानी जरूरत के हिसाब से। अब सबसे पहले सूजी को एक कटोरे में डालें, उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से मिला लें। आपको पानी इतना ही डालना है जिससे कि सूजी अच्छे से भीग जाए। आप चाहें तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पुआ और भी स्वादिष्ट बनेगा। मैंने पानी इसलिए डाला है जिससे आपके पास दोनों ऑप्शन रहे। अब इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए ढककर रख दें, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए और पुआ मुलायम एवं स्पॉन्जी बने। अगर आप पुआ सुबह में बनाना चाहते हैं तो इसे रात में ही भिगो के रख दें, और अगर शाम में बनाना चाहते हैं तो इसे सुबह में भिगो के रख दें। अब ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल गया है। इसमें डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। इसमें आप नारियल को बारीक काट ले, काजू और जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं ले सकते हैं। आधा कटोरी चीनी, एक कटोरी दूध। अब इसे आप एक बड़े बर्तन में डाल दें, उसके बाद इसमें चीनी डालकर अच्छे से मिला लें। चीनी आप जैसा खाना पसंद करते उतना डाल लें। अभी घोल बहुत गाढ़ा है, इसमें दूध डालकर पतला कर ले। ध्यान रहे घोल ज्यादा पतला ना हो, नहीं तो पुआ तेल में फैलने लगेगा। और इसे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो पुआ बीच में मोटे हो जाएंगे और वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, आप ऐसा घोल तैयार कर लें। उसके बाद इसमें सभी ड्राई फ्रूट डालकर मिला लें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई रखकर इसे गर्म कर लें, उसके बाद उसमें रिफाइंड डालकर इसे गर्म होने दें। जब तक रिफाइन गर्म हो रहा है, आप घोल को चेक कर ले कि ये ज्यादा गाढ़ा ना हो। अगर घोल ज्यादा गाढ़ा हो तो इसमें दूध डाल दे। अगर कभी आपसे घोल पतला हो जाए तो आप मैदा डालकर इसमें अच्छे से मिला दे और इस तरह का घोल तैयार कर ले। रिफाइन गर्म हुआ है या नहीं यह चेक करने के लिए घोल को डालें। अगर घोल रिफाइन में ऊपर तैरने लगे तब समझे पुआ बनाने के लिए रिफाइन गर्म हो चुका है। उसके बाद करछल की सहायता से घोल को रिफाइन में डालें और इसे पकने दें। यह अपने आप फूल जाएगा और ये कढ़ाई को नीचे से छोड़ देगा। उसके बाद इसे उलटकर हल्का भूरा होने तक पका लें। अब ये पक चुका है, इसे आप टिश्यू पेपर पर निकाल लें, जिससे कि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल को सोखे।
पुआ बन के तैयार है, आप पुए के साथ होली एंजॉय करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।